पैसे पैसे पैसे, अरे कहाँ से दूं मैं पैसे? अरे जब देखो पैसे मांगते रहते हो तुम लोग, है ना? दिमाग खराब करके रखते हो एकदम मेरा। देखो मां, यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि जब तुम मांगो मैं तोड़ू और तुम्हें दे दूं। यार मेरे भी यहाँ कुछ खर्चे हैं, मेरे बीबी हैं, बच्चे हैं, मैं उन लोगों को देखूं या तुम लोगों को देखूं मैं? ए हीरो, देना काय को टाइम खोटी करता है। एक काम करो मां, पापा से बोलो कि कोई छोटा मोटा जॉब करे और घर का खर्चा चलाए। रखता हूँ मैं। क्या रे, क्या चाहिए तेरे को? दिखता नहीं है, गर्मी काय को दिखाता है रे? निकल यहाँ से। धक्का काय को मारा बे? साले इतनी हिम्मत तेरी? न खुद का कोई धर्म है ना जात है, चले आए हम लेक्चर देने मुझे। भाग यहाँ से। पीछे डस। हेलो, हाँ बाबू जी बोलिए। हाँ अभी पहुँचा हूँ, अभी देखता हूँ किसी आसपास में कोई लॉज खोज के, जहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया था वहाँ पे जाना है। और माँ की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। भैया ये एड्रेस किधर है? इधर सीधा जाओ। ए हीरो, पैसे दे। प्रणाम बाबू जी, कैसे हैं? बेटा वो तुम्हारी माँ को। क्या हुआ माँ को? बेटा तुम्हारी माँ को कैंसर है। कैंसर? हाँ बेटा, डॉक्टर 4 लाख रुपया मांग रहे हैं ऑपरेशन के लिए। बोला है अगर 3-4 दिनों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। मैं घर की जमीन की बात किया हूँ बेचने के लिए। ए कायपुर होता है, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, मैं है ना तेरे लिए। देखो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत परेशान। मैं है ना तेरे वास्ते, तेरा मूड ठीक कर देगी आज। बोल बोल क्या हुआ, बोल बोल। मैं बहुत प्रॉब्लम में। अरे यहाँ पे हर एक आदमी नए प्रॉब्लम के साथ आता है, तेरा कौन सा नया है? बोल। देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। ए मैं मजाक नहीं करती, 100% सच्ची बोलती। आई शंपल। देखो मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। ए सुन, मैं मजाक नहीं करती, 100% सच्ची बोलती तेरे को। अब बोलना राजा। 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ और जॉब कहीं नहीं मिला। जहाँ जाता हूँ सब कहते हैं एक्सपीरियंस बताओ। नाम से पहले एक्सपीरियंस और पहले कहाँ काम करते थे ये पूछते हैं। अरे कहाँ से लाऊं मैं एक्सपीरियंस, जॉब कोई देता ही नहीं, एक्सपीरियंस सबको चाहिए। जॉब देते भी तो कहते हैं 3-4 महीना काम करो उसके बाद सैलरी मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऊपर से माँ का कैंसर। ये मेरा प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। तू जॉब करेगा, मैं तेरे को जॉब दिला और 4 लाख रुपए
तेरी माँ की इलाज के लिए वो जॉब करेगा तो? हाँ मैं करूँगा, कैसा भी वो जॉब करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। अच्छा ये चिट्ठी ले और कल इस पति पे पहुंच जा, ठीक है? जॉब तेरे को मिल जाएगी, टेंशन लेने का नहीं। ओके मैं चलती हूँ। हाँ बाबूजी। बेटा हमें पैसे मिल गए। पैसे? जो तूने 4 लाख रुपया भेजे थे। ठीक है बाबूजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या है रे? लीला भाई का घर यही है क्या? हाँ बोल। बुलाया था उन्होंने मुझे। चल आजा। आ गया चिकने। वो 4 लाख रुपए आपने भेजा था? कल मैंने ही अपनी बिहार वाली दीदी को फोन किया था। तेरा काम हो गया ना, अब तू अपना काम कर। मासी कौन है चिकना? ये हमारा खास मेहमान है, खास आज से हमारे साथ ही रहेगा और हमारे धंधे में भी। ये क्या बोल रही हो तुम? धंधा? सही तो बोल रही मैं? नहीं नहीं मैं सब नहीं कर सकता। तेरे को काम चाहिए था ना? मैं तेरे को काम दे रही है और एडवांस में 4 लाख रुपए तेरी माँ के इलाज के लिए। तुमने तो बोला था मुझे जॉब दिलाओगी। ये जॉब ही तो है, बस इसमें थोड़ा नाइट शिफ्ट ज्यादा करना पड़ता है। नहीं नहीं ये सब नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तीन बार का ऑपरेशन हुआ नहीं, होने वाला है। मेरे ही कहने पे मेरी दीदी ने तेरे बाप को 4 लाख रुपए दिए, याद रख ले। चलो तैयार करो इसको।
तू क्या धर्म की बात करता है, जिसे खुद धर्म का नहीं पता। मेरी भी एक दुनिया थी, खुशहाल परिवार था मेरा, मेरी भी एक माँ थी, उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी बदल डाली। हाँ हूँ मैं हिंजड़ा, सारी दुनिया हमें नामर्द की नजर से देखती है, लेकिन तू मर्द होते हुए भी नामर्द की लाइफ जीता है। ये ले।